उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले 2.5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। 2017 में एक भाषण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया मुक्त यूपी करने की बात कही थी और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अब हम 2020 में हैं और एक नामी गैंगस्टर ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है। शूटआउट में SHO विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस गोलीकांड के पीछे पुलिस वालों के शामिल होने की बात कही जा रही है। पहले आप विकास दुबे के साथी का वीडियो देखिए, जिसमें वह पकड़े जाने के बाद पुलिस को बता रहा है कि कैसे विकास दुबे को थाने से कॉल आया था। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदे। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बाहर एक बगिया है, इसके खेत में वही बुलाता था। घर में किसी, घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले जो बुला बुलते हैं। कितने बदमाश उसके पास? जो तो नहीं बता सकते। फोन करके तो बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाले उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया थाने। इसके अलावा शहीद CEO देवेंद्र मिश्रा की एक चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें SO विनय तिवारी और विकास दुबे की मिलीभगत का दावा किया गया है। मार्च महीने में यह चिट्ठी एनकाउंटर में शहीद क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र मिश्रा की ओर से तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लिखी गई थी। मिश्रा ने SSP को चिट्ठी में कहा था कि ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई नहीं करना और सहानुभूति बरतना संदिग्ध है। यदि थाना अध्यक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया तो गंभीर घटना हो सकती है। देवेंद्र मिश्रा ने पहले ही चिट्ठी के जरिए आगाह किया था कि पुलिस वाले मिले हुए हैं और गंभीर घटना भी हो सकती है। जब कोई अल्पसंख्यक से संबंधित दोषी द्वारा जुल्म की वारदात सामने आती है तो उसे उसके मजहब से जोड़कर देश का दुश्मन बताकर प्रचार किया जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा जुर्म करने वाला अगर बहुसंख्यक से संबंधित हो तो उसका प्रचार किसी धर्म से जोड़कर नहीं किया जाता। इसके अलावा ABP की ये खबर देखी, जिसमें वे कह रहे हैं कि ABP न्यूज पर विकास दुबे का कबूलनामा, कैसे BJP नेता उसे संकट से बचाते थे और वह उनके लिए वोट का जुगाड़ करता था। अब विकास दुबे का ये पुराना वीडियो देखिए, जिसमें वह इंटेरोगेशन के दौरान नेताओं के साथ कनेक्शन की बात बता रहे हैं। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा मुकदमा एक सरकारी कार में बाधा डालने खाद्य निरीक्षक होते हैं हमारे यहाँ, वो जो है उनके विरुद्ध एक प्रधान जी ने शिकायत की थी, जो हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने DM को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया। जब धमकाया तो उसी में क्लास होने में मारपीट होने लगी। मीटिंग चल रही थी, उसी मीटिंग में मारपीट होने मारपीट हुई? नहीं, मेरे मुझसे नहीं मारपीट हुई थी, मैं तो मीटिंग में था और उस समय उस मीटिंग में मौजूद थे। हाँ, मीटिंग से मैं निकल चुका था गाड़ी से, मारपीट मेरे जाने के बाद ही हुई थी। उसमें भी एफिडेविट दिलाने में लोग पैरवी की? हाँ जी, उसमें सर उसमें वादी ने भी स्वयं संपर्क किया है लोगों से। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने शो में विकास दुबे के BJP कनेक्शन की जानकारी दी और कुछ और बातें भी बताई। आज ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जिस शख्स ने साल 2001 में भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की, उस पर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के शुरू से ही दबिश क्यों नहीं डाली गई? शुरू से ही इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर शुरू से ही विकास दुबे इस तरह से फल फूल क्यों रहा था? क्या इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? इसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा साल 2001। आपके सामने ये खबर है अमर उजाला की, और ये खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इसका शीर्षक है, भाजपा की गुटबाजी ने और बढ़ाया विकास दुबे को, यानी कि विकास दुबे की ताकत इसलिए बढ़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दो खेमों में बटा हुआ था। एक खेमा विकास दुबे का इस्तेमाल कर रहा था दूसरे खेमे के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए। इसके अलावा इस मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके लिखा, यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ हैं और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और लिखा, आमजन व पुलिस तक सुरक्षित नहीं है,
कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद सीएम के पास है। इतना भव्य घटना के बाद उन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि योगी जी अपने माफिया मुक्त यूपी के बयान पर खरे उतरकर जनता का भरोसा दोबारा से जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।